वेलकम टू आवर चैनल। आज डेट है 23 फरवरी 2024 और आज के टॉप करंट अफेयर्स कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहला है, अपने इंडिया के अंदर लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट कहाँ पे लगाया जा रहा है, तो ये है विशाखापट्टनम, वहाँ पे लग चुका है। बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट होता क्या है, हमारे इंडिया के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं जो ग्रीन हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको यूज़ करके, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करके हाइड्रोजन को हम एज अ एनर्जी यूज़ करेंगे इन फ्यूचर में आने वाले टाइम पे, और 2047 तक हम टोटली एनर्जी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं कि जो हम इंपोर्ट करते हैं एनर्जी के लिए जैसे फ्यूल वगैरह, तो वो हम नहीं करेंगे, हम इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस करेंगे। तो बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कैसे की जा रही है, इसको ग्रीन क्यों नाम दिया गया है, तो जो पानी होता है हमारे पास उसको उसके अंदर एक करंट के द्वारा इलेक्ट्रोलिसिस करके एक प्रोसेस होती है जिसे करंट दिया जाता है और हाइड्रोजन से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है, और उसके बाद जो हाइड्रोजन हमारे पास प्रोड्यूस होगी उसको इकट्ठा कर लिया जाता है और हाइड्रोजन को आगे बाद में यूज़ किया जाएगा। अभी इंडिया के पास एक और टारगेट है, नेट जीरो 2070 तक अचीव करना है। अभी नेट जीरो 2070 क्या है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट हमारे पास है जो इंडियन प्रीमियर लीग IPL, जो क्रिकेट लवर्स हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, जो हमारे इंडिया में स्टार्ट होने जा रहा है 22 मार्च 2024 से। और नेक्स्ट है आज की हिस्ट्री, 23 फरवरी को वर्ल्ड पीस और अंडरस्टैंडिंग डे के रूप में मनाया जाता है, ये आज की हिस्ट्री है हमारी। और इसके बाद हमारा टॉप पॉइंट है मिलन एक्सरसाइज, मिलन 2024, ये विशाखापट्टनम में ही ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है, इसको अपनी इंडियन नेवी ऑर्गेनाइज करवा रही है और इसके अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड से 50 कंट्री के शिप, वॉरशिप आ रखे हैं, फाइटर प्लेन और लोग आ रखे हैं, और ये 19 फरवरी 2024 से लेके 27 फरवरी 2024 तक चलेगी। इसके अंदर मोटो है और इसे कंट्रीज़ का आपस में जो एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है म्यूचुअल, वो सारा प्रोसीजर होता है इसके अंदर। अब नेक्स्ट जॉब वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं, तो हरियाणा पुलिस में कॉन्स्टेबल्स की 6000 जॉब वैकेंसीज़ आई हैं जिसकी क्लोजिंग डेट है 21 मार्च 2024। कुछ कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में बात कर लेते हैं। एक क्वेश्चन, तो वर्ड बैंडविड्थ जो होता है उसको, उसका मीनिंग क्या होता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, तो आपके पास ऑप्शंस हैं ABCD। तो ए में है विड्थ ऑफ द डाटा केबल, अमाउंट ऑफ द डाटा ट्रांसफर्ड, द नंबर ऑफ कंप्यूटर ऑन अ पर्टिकुलर नेटवर्क और नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर। तो जो बैंडविड्थ होती है, अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर कितना ट्रांसमिट किया जा सकता है एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम में, एक टाइम के अंदर कितना डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है बेसिकली, उसको बैंडविड्थ बोलते हैं। जो बैंडविड्थ अभी कई सर कई बार आपने न्यूज़ में सुना भी होगा, तो बैंडविड्थ बेसिकली एक्सप्रेस किया जाता है बिट्स पर सेकंड के अंदर, BPS बोलते हैं, या फिर बाइट पर सेकंड। तो कितना डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं, या फिर कई कंपनीज बैंडविड्थ खरीदती हैं कि हाँ इतना मेरे को बैंडविड्थ चाहिए, उसके बाद वो अपना नेटवर्क वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको चीज को बोलते हैं बैंडविड्थ। अब सब्सक्राइब कर सकते हैं आप हमारे चैनल को डेली GK और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।